नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी ओमिक्रॉन सिर उठा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 24 घंटे सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि फिलहाल LNGP अस्पताल में रोजाना 100 सैंपल टेस्ट करने की क्षमता है। किसी भी सैंपल की रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे का समय लगता है। दिल्ली के LNGP अस्पताल में अब तक विदेशों से यात्रा करके आने वाले 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हो चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इनमें से 34 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। अब तक 17 ओमिक्रॉन मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि बाकी मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन से जुड़े कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। और जब बात ओमिक्रॉन की होती है तो सबसे पहले जो शब्द किसी के भी दिमाग में आता है वो होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिया न्यूज पे आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से। देख सकते हैं आप हमारे पीछे, ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है जहाँ सैंपल्स को स्टोर किया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब क्या कुछ होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है जब आप सैंपल लेके आते हैं आपके? हमारे पास पहले जो RT-PCR कन्फर्म्ड सैंपल हैं वहाँ से RNA निकाल के हमारे पास आता है। उसको हम यहाँ पर -70, आपने देखा होगा कि 79 है अभी, -70 डिग्री पर हम स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको लाइब्रेरी में यहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे कि जो पूरा हमारा स्टडी होता है और पूरा जीन सिक्वेंसिंग होती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें 48 से 72 घंटे लगते हैं। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मोलिकुलर टेस्ट है जिसमें आपने देखा कि काफ़ी हमारी बड़ी टीम यहाँ पे काम करती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि डेल्टा वेरिएंट है या बीटा है या ओमिक्रॉन है। सर, सैंपल की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अपनी सैंपलिंग को भी बढ़ाया है क्योंकि ओमिक्रॉन के टेस्ट में लंबा समय लगता है, कितनी कैपेसिटी है अभी के समय इस लैब की? अभी 100 per day का हमारा कैपेसिटी है और आपने देखा होगा कि शुरू में हमारी कैपेसिटी 30 to 40 सैंपल पर डे की थी, अभी हमने इसको बढ़ाया है 100 सैंपल पर डे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए काफी संसाधन भी लगते हैं, आप जैसे फ्रिज की बात कर रहे हैं, 70 -70, कितने लोगों की टीम है, कितने शिफ्ट में काम हो रही है? 20 लोगों का टीम है जिसमें मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं और ये दिन रात काम करते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जितने भी कोरोना के सैंपल्स आएंगे उनके हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे, तो क्या इसके लिए दिल्ली के लैब्स तैयार हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से तैयार हैं एंड आई वेलकम दिस स्टेप बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट व्हाटएवर सैंपल वी विल गेट वी विल सीक्वेंस देम एंड वी विल सी व्हिच टाइप ऑफ वेरिएंट इज देयर इन द पर्टिकुलर सैंपल। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के अंदर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ पे पहली बार, ये वही जगह है जहां जो RT-PCR टेस्ट के बाद जो सैंपल्स होते हैं उनके RNA यहां पे आते हैं, फिर उनकी यहां सैंपलिंग की जाती है और ये पता लगा जाता है कि जो वेरिएंट है वो डेल्टा है, डेल्टा प्लस है या फिर ओमिक्रॉन। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।